थाम लो तुम वहां ये अनुगामिनी बन जाएंगी, तुम अधरवंशी धरो ये रागिनी बन जाएंगी, कि भोर के सपने सरीखा अंत होता चाह का, प्यास मरुथल की घटे कुछ तो कुहासा राह का, पावसी घन तुम बनो ये दामिनी बन जाएंगी, तुम अधरवंशी धरो ये रागिनी बन जाएंगी। डॉक्टर कीर्ति काले जी, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके जिन्होंने साहित्य के कीर्ति की पताका सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विदेशों में हिंदी का परचम लहराया है, बल्कि हमको तो ऐसा प्रतीत होता है कि इनके भाल पर लगी हुई बिंदी भी राष्ट्रभाषा हिंदी जैसी है। तो अतिशय कवियों के बीच एक रात का इश्क हुआ करता है, और इश्क जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और इश्क जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो इतनी दूर से इश्क ना कीजिए, थोड़ा करीब आ जाइए भाई साहब, थोड़ा आगे आ जाए, सम्मेलन का माहौल बनाइए, देश में नहीं बल्कि पूरे अंतरराष्ट्रीय ख्याप लब्ध कवित्री कीर्ति काले जी आपके मंच पर। छोटी बहन शबिस्ता ब्रजेश, मैंने इनको मंचों पर खूब घनघोर तालियां बजवाते हुए देखा है, और ऐसी तालियां नहीं कि जैसे अन्य वीर रस के कवि चीख चीख कर बोलकर बजवा लेते हैं, शब्दों में कोई बात नहीं होती, लेकिन शबिस्ता के शब्दों में वो शक्ति है कि बिना चीखे हुए बिना जोर से बोले हुए भी श्रोता इतने उद्वेलित हो जाते हैं, इतने उत्साहित हो जाते हैं कि तालियां बजाने के लिए बेबस हो जाते हैं। तो आपके राय बरेली में इतनी विदुषी कवित्रियां उपस्थित हैं और वो स्वयं अपने आप को पीछे कर रही हैं और वो सुनाना नहीं चाह रही, तो मेरा आग्रह ये है कि मैं थोड़ा सा सुनाऊंगी, उसके बाद आप जरूर सुनाइए। नहीं दीदी, आज हम आपको मन भर के सुनना चाहते हैं। वो मैं तो सुनाऊंगी, सुना दीजिए। ठीक है ठीक, लेकिन पहले आपको सुन लें। बहुत धन्यवाद पंकज जायसवाल और इनके पूरे परिवार का और इनकी पूरी टीम का, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर आयोजित किया। बेंगलोर में रहते हैं, बेंगलोर से चलकर यहाँ आए, इन्होंने पूरा आयोजन यहाँ पर किया, व्यवस्थाएं यहाँ पर की। पहले 7 तारीख के लिए इन्होंने मुझे कहा था, लेकिन 31 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मैं दैनिक जागरण की श्रृंखलाओं के कवि सम्मेलनों में थी, 2 से लेकर 1 का अलग था कार्यक्रम, तो इसलिए मैंने इनसे निवेदन किया कि वो बीच में छोड़कर मैं नहीं आ सकती, आप थोड़ी सी तिथि बदल लीजिए। तो थोड़ा कष्ट इन्हें अवश्य हुआ, लेकिन फिर भी जहाँ चाहा वहां रहा, इन्होंने राह निकाली और आप सभी लोगों के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। जितना बड़ा इन लोगों ने मुझे बना दिया है, उतना बहुत बहुत विशेष काम मैंने नहीं किया है अभी तक, लेकिन फिर भी जब छोटे लोग कुछ कहते हैं तो लगता है कि इतने सालों में खाक नहीं छानी, थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक लिख दिया होगा, शायद इसीलिए कह रहे हैं। प्रारंभ करते हैं, सुनिए। और कवि सम्मेलन में कविता और प्रस्तुति दोनों बहुत मायने रखती हैं, तो मैंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं और मैंने किसी अन्य की बनाई हुई धुनों पर कभी गीत नहीं गाए, मैंने अपने गीतों की धुनें स्वयं बनाई, और कुछ मेरी धुनें तो इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई कि अभी अभी मैंने इस मंच से अपनी बहुत सारी धुनों में कविताएं सुनी ली। तो ये अच्छा लगता है कि हमारा कोई क्रिएशन, कोई सृजन अगली पीढ़ी तक पहुंचता है, तो ये हमें लगता है कि हमने कुछ काम किया है। एसएसपी साहब यहाँ बैठे हैं, शशि शेखर जी, तो मैं भी पहले यही समझी थी कि आप वही शशि शेखर जी हैं जो कादंबिनी में हैं, लेकिन मानसी ने बताया कि आप एसएसपी साहब हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। प्रारंभ करती हूँ, सुनिए। कि तुम्हारी आंख में शायद, अभी सुना आपने इस धुन में ना, कि तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, तुम्हारी आंख में शायद सभी सपने सुहाने हैं, हमारी याद में भी तो अभी गुजरे जमाने हैं। क्या बात है, क्या बात है दीदी। और पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों महकती हैं, पता है मेरे गीतों की किताबें क्यों हमारे दिल के तहखाने में खुशबू के खजाने हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
अच्छा बहुत धन्यवाद। और कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। और वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, वो लड़ता है झगड़ता है सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और किसी भी महिला का सबसे बड़ा सपना क्या होता है कि तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे दिल के दर्पण को मैं देखूं और संवर जाऊं, तुम्हारे प्यार का पावन बरस पाऊं निखर जाऊं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, तुम्हें जी भर के मैं देखूं, तुम्हें जी भर के चाहूं मैं, फिर उसके बाद आए मौत भी तो हंस के मर जाए। क्या बात है। एक टिप्पणी करती हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे होते हैं जो प्यार को मजाक समझते हैं, ऐसे लोग कभी प्यार नहीं कर पाते। प्यार वही कर पाते हैं जो मजाक को भी प्यार समझकर उसके पीछे पूरी जिंदगी गुजार देते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है दीदी। जिन्होंने प्यार किया है वो जानते हैं कि प्यार एक तूफान का नाम है, और प्यार पर लिखना उस तूफान को बाहों में समेट कर कुछ देर रोके रखने का नाम है। तो वही प्यार का तूफान एक शब्दों के रूप में गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर एक माहौल दीजिए, मुझे एक वातावरण दीजिए, मैं प्रस्तुत करके सुनिए। बस महसूस करके सुनिए मेरी रचनाओं को, कि आंखों में फागुन की मस्ती, आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर बासंती हलचल, आंखों में फागुन। किसी लड़की को जब प्रेम होता है ना, तो मन की स्थिति कैसी हो जाती है, कि आंखों में फागुन की बस्ती, पलकों पर बासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। एक साथ तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मेरी थकान उतर जाएगी तो मैं बहुत अच्छा सुना दूंगी। कि आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर बासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है बूंदों के त्योहार में, शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। और अब पंक्तियां सुनिए, कि पैरों की पायल छनकी कंगन खनका, पैरों की पायल छनकी कंगन खनका, हर आहट पर चौक चौक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना। क्या बात है पंकज, मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया है? इतने अच्छे श्रोता है, और पहले बुलाना चाहिए था। एक बार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। कि पैरों की पायल छनकी कंगन खनका, हर आहट पर चौक चौक जाना मन का, और सांसों का देहरी छू छू कर आ जाना, और दर्पण का खुद दर्पण से ही शर्माना, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, और धड़कना हर धड़कन का, सपनों के संसार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार। वेरी गुड। शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। अब गीत का सबसे अच्छा वर्ग सुनाती हूँ, सुनिए। कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, कि भंग चढ़ा कर बौराया बादल डोले, नदिया में दो पांव हिले हौले हौले, और पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया, पहली पहली बार कोई
कोई नन्ही चिड़िया अंबर में उड़ने को अपने पर खोले कि पहली पहली बार कोई नन्ही चिड़िया अंबर में उड़ने को अपने पर खोले हिचकोले खाती है नैया हिचकोले खाती है नैया हिचकोले खाती है नैया मस्ती से मझधार में शायद ऐसा ही होता है शायद ऐसा ही होता है तो पहले प्यार में अभी एक कवि सम्मेलन में मैं गई थी कानपुर वहाँ आगे आगे की लाइन में वहाँ के कलेक्टर साहब सब पत्नी बैठे हुए थे तो मेरी कविता का रंग ऐसा चढ़ा कि कलेक्टर साहब की पत्नी ने कलेक्टर साहब के कंधे पर धौल मारते हुए कहा कि मजा आ गया भाई साहब और उन्होंने भी जवाब दे दिया थैंक यू बहन जी तो ये कविता का जादू होता है जो श्रोताओं के सिर पर चढ़कर बोलता है गीत का अंतिम बंद सुनाती हूँ एक किशोर वय की कन्या का मैंने शब्द चित्र खींचा है वो आपके सामने रख रही हूँ सुनिए कि जिन पैरों में उछला करता था बचपन जिन पैरों में उछला करता था बचपन कैसी बात हुई कि बदल गया दर्पण और होता है उन्मुक्त अनोखा ये बंधन रोम रोम पूजा सांसे चंद चंदन चंदन कि बिन मांगे सब कुछ मिल जाता बिन मांगे सब कुछ मिल जाता बिन मांगे सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार क्या बात है सब कुछ मिल जाता आंखों के व्यापार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार जोर से शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में बहुत धन्यवाद बहुत अच्छा इन लोगों ने सुनाया और बहुत एक बार घनघोर तालियां होनी चाहिए ऐसा लगा मतलब हमको याद आ रहा था दीदी सच्ची जब ब्रजेश से मिले थे वो पहला पहला प्यार याद आ रहा था एकदम भूल चुके थे कहाँ बैठे वो सामने बैठे अच्छा इसीलिए इतने मंद मंद मुस्कुरा रहे थे नमस्कार करती हूँ आपको देखिए आपके सहयोग के बिना शबिस्ता कुछ भी नहीं कर सकती थी हम जो स्त्रियां हैं जब हमें घर का सहयोग नहीं मिलता तो हमारी प्रतिभा घर में ही दम घुट कर रह जाती है सहयोग मिल जाता है तो हम लोग थोड़ी बहुत बाहर निकल लेती हैं तो महिलाओं का सहयोग कीजिए उनकी प्रतिभाओं को घर में मत घुटने दीजिए नीरज पांडे बैठे हैं बहुत अच्छे गीतकार हैं बहुत अच्छे रचनाकार हैं सभी को प्रणाम करते हुए एक रचना जो अभी अभी दो दिन पहले जो घटना हुई और उससे मन उसने मन को जिस तरह उद्वेलित किया मैं अपनी एक गजल के कुछ शेर आपको सुनाती हूँ बहुत पुरानी मेरी गजल है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ये शेर नहीं सुनाने पड़े और मैंने सुनाने बंद भी कर दिए थे लेकिन कल दो दिन पहले जो घटना हुई ट्विंकल की और उसके बाद जो उज्जैन में भी उस दूसरे दिन जो एक घटना हुई उससे मुझे लगा कि हम महिलाएं कितनी भी तरक्की कर लें अभी भी हम सेफ नहीं हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये क्या हो रहा है हमारे देश में भारत भारत जैसे देश नारियों की पूजा की जाती है तो एक गजल के कुछ शेर मैं आपको सुनाती हूँ लड़कियों की जिंदगी है कैसी यहाँ बनी सावरी दिखाई देती हैं ऐसा लगता है कितनी अच्छी हैं दस दस लोग इनके मोबाइल के नंबर लेकर घूम रहे होते हैं अपने मोबाइल में लेकिन उन्हें कितनी आशंका रहती है मन में वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ एक बार तालियां बजा दीजिए शेर सुनाती हूँ सुनिए कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी कि गर्म तपती दोपहर है लड़कियों की जिंदगी एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी एक पथरीली डगर है लड़कियों की जिंदगी और ये शेर आप सबके नाम कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता कि रास्ते की कुछ खबर है ना ही मंजिल का पता एक अनजाना सफर है लड़कियों की जिंदगी एक अन
जाना सफर है लड़कियों की जिंदगी। और जो भी लड़की अपने घर से बाहर निकलती है उसे इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। एक बहुत नाजुक सा अच्छा शेर सुनाती हूँ कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, कि हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, हर घड़ी हर पल सताए पत्थरों का डर जिसे, वो चमकता कांच घर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चमकता कांच घर है। और जो भी लड़का अपने गली की मोहल्ले की शहर की लड़कियों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखता है वो अपने ग्रुप का हीरो माना जाता है। तो ये पंक्तियां सुनाती हूँ, सुनिए। रात की मुस्कुराहट मेरी बात का समर्थन कर रही है कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां, कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। और आपको बात लगे कि कुछ बात है इसमें तो बताइए कि है बड़ा बेताब पढ़ने को जिसे सारा जहां। आज की ताजा खबर है लड़कियों की जिंदगी। क्या बात है, क्या बात है, आज की ताजा खबर है लड़कियों के लिए बिल्कुल। और जो शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है वो सुनाती हूँ कि एक खुश फहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, कि एक खुश फहमी की जिसको जिंदगी कहते हैं लोग, उसका बस एहसास भर है लड़कियों की जिंदगी। बहुत अच्छा, बहुत उसका बस एहसास। और दो युगों में घटी हुई दो घटनाओं को मैंने दो पंक्तियों में कहने का प्रयास किया है। सुनिए कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, कि चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, चाहे हो अग्नि परीक्षा या हो चौसर की बिसात, हर सदी में दांव पर है लड़कियों। क्या बात है, क्या बात है रिति, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। अरे वाह, अभी जैसे कल्पना ने गीत सुनाया था कि अभी क्यों सगाई कर ली, एक छंद सुनाती हूँ इसके बाद कि लड़की जैसे जैसे बड़ी होती है वो अपने आप में क्या क्या परिवर्तन अनुभव करती है और जो लोग उसे देखते हैं वो उसमें क्या क्या परिवर्तन देखते हैं। ये कभी लोग तो लड़कियों के बारे में जो लिखते हैं वो परकाया प्रवेश करके लिखते हैं, इसे मैं परकाया प्रवेश कहूंगी कि है तो पुरुष लेकिन महिलाओं की भावनाओं को इतनी अच्छी तरह लिख लेते हैं। ये बहुत बड़ा काम होता है परकाया प्रवेश करना, लेकिन मैं चूंकि महिला हूं और अपने ही भावों को रख रही हूं, एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं आपके सामने रख रही हूं। कि नीम की निबौरी, कि नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे, नीम की निबौरी भोली भाली एक छोरी जब दर्पण देख के सिंगार करने लगे, सपनों में खोई जागी जागी सोई सोई भूल जान बूझ कर बार बार करने लगे, फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भिजो बहार करने लगे, फूल सी महक बात बात में चहक कर पतझड़ को भिजो बहार करने लगे, शर्म से लाल गोरे गोरे होंगे गाल गोरी जब चुप चुप कर प्यार करने लगे, शर्म से लाल गोरे गोरे। मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ सारे प्यार के मारे लोग बैठे हैं। एक छंद और सुनाती हूँ, वसंत का ये छंद है। अनंग कहते हैं कामदेव को जो फूलों के बाण चलाता है और उसका निशाना कभी खाली नहीं जाता, वो सुनिए। कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, कि फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग का उल्लास भरने लगा, फूल बाण ले धरा पे उतरा अनंग, अंग अंग में उमंग
भंग का उल्लास भरने लगा। पहली बहार पर रूप का निखार पीली ओढ़नी की ओट से इशारे करने लगा। अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख कि अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख आईना भी आज बनने सवरने लगा। अल्लड़ अबोध आयु का सिंगार देख देख आईना भी आज बनने सवरने लगा। पोर पोर में बजे मृदंग जल तरंग बोर बोर से बसंत का पराग झरने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और जब सावन आता है तो बरसात की बूंदें फूलों की पत्तियों और पंखुड़ियों पर हीरे की तरह मोती की तरह चमकती हैं। उस दृश्य को एक छंद में रखते सुनिए कि सावन की ऋतु आई बरखा बहार लाई टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। सावन की ऋतु आई बरखा बहार लाई टकने लगे हैं हीरे मोती पात पात में। मनवा के फूल फूल झूलन में झूल झूल इतरा रहे हैं देखो बात बेना बात में। कि बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम कि बादल भी घूम घूम बिजुरी को चूम चूम फिरता है झूम झूम रात में प्रभात में। और राम की कसम तोड़ अपनों से मुख मोड़ जाओ ना अकेला छोड़ बैरी बरसात। क्या बात है, राम की कसम तोड़ मोड़ जाओ ना अकेला छोड़। लेकिन अगर फिर भी बैरी चला ही जाए तो क्या करें, एक गीत लिखें और क्या कर सकते हैं। तो एक गीत मैंने लिखा, हमारे हाथ में केवल गीत लिखना है और तो कुछ है नहीं। तो एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। कि तन से दूर भले हो जाओ, बस ध्यान से, कान से तो सभी सुन ही रहे हैं, ध्यान से भी सुन लीजिए। कि तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। और अब घोष श्रृंगार का ये बंद है, लेकिन मैं अपने पिता के सामने भी इसे सुना सकती हूँ, सुनिए। कि फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट, फूलों के गालीचे की वो पहली शर्मीली सिलवट, मस्त बसंती झोंके सा छप झोर झोर जाना घूंघट। फिर सागर के ज्वारों में गहरे 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 जाना, और उतर कर गहरे में मन का सच्चा मोती पाना। मोती की उजली आभा से तन मन की सुध बुध खोना। तट की बाहों के घेरे में लहरों का देर तलक सोना, लहरों का देर तलक सोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना। और चाहा था जितना मैंने उससे भी ज्यादा प्यार मिला, चाहा था जितना मैंने उससे भी ज्यादा प्यार मिला। तेरे विश्वास भरे मन में मुझको सारा संसार मिला। तिनका तिनका जोड़ जोड़ कर नीड़ बनाया जो हमने, चाहत के चंदा तारों के भी संग सजाया जो हमने। उस आंगन की बगिया में सुंदर सुंदर सपने बोना, सपनों के कच्चे रंगों पर चल पाए ना कोई टोना, चल पाए ना कोई टोना। तन से दूर भले हो जाओ, मन से दूर नहीं होना। यादों की खुशबू से महके जीवन का कोना कोना, जीवन का कोना कोना, जीवन का। सुनाती हूँ, देखिए मेरी कविताओं के विविध रंग हैं, बहुत विविध रस हैं, विविध रंग हैं।
और आज मुझे पूरा अवसर दिया गया है। अन्यथा कवि सम्मेलन में क्या आप अधिक से अधिक चार गीत सुना सकते हैं? चार भी बहुत हो गए, चार पांच तो मैं सुना लेती हूँ, अन्यथा दूसरी कवित्रियां तो एक गीत सुनाकर बैठ जाती हैं। तो लेकिन आज पूरा अवसर है तो मैं अपने अलग अलग तरह की कुछ कविताएं आपको, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं अवश्य सुनाऊंगी। जिस तरह का मेरा लेखन है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। एक कविता के लिए ज्ञान प्रकाश आकुल कह रहे हैं, और इतने बड़े गीतकार अगर मुझे कुछ कहें और मैं न मानूं ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी तलाक वाला मुक्तक भी सुना दीजिएगा, वो वाला वो मैं सुना दूंगी। अच्छा पहले इनकी बात सुना देती हूँ, ये संचालक हैं, संचालक की बात तो माननी चाहिए। हाँ हाँ ठीक है चलिए। हमारे देश में पति पत्नी के संबंध कैसे हैं सुनिए। अच्छा लगे तो मैं सुना रही हूँ, अच्छा न लगे तो शबिस्ता जी आपके साथ में है, इनके साथ आप उचित कार्रवाई कर सकते हैं। हमारे देश में पति पत्नी का संबंध श्रोताओं बहुत लालित्यपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें प्यार और तकरार साथ साथ में चलती है। प्यार के कारण जो तकरार होती है और उस तकरार की वजह से जो प्यार बढ़ता है उसका आनंद ही कुछ और होता है। प्रत्येक भारतीय पत्नी ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना करती है कि अगले 7 जन्मों तक उसे मिले, और वो इसलिए प्रार्थना करती है क्योंकि 3-4 जन्म तो उसे ठोक पीट कर ठीक करने में लग जाते हैं। तो कैसे संबंध है पति पत्नी के सुनिए। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, सुना दूं ना, ताली बजा दीजिए एक बार। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है अगले साल आएंगे। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, आगे भी बढ़ती है। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों, ब्रजेश जी को बड़ा अच्छा लग रहा है, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह, हिसाब लगा लिया मैडम ने, कि समझ, तालियां बजाकर सुन लीजिए। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो जहां की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। मनुष्य रोते हुए, यही सोचा था ना, वही निकला कि मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। लेकिन आजकल के नौजवान प्रेम को क्या समझने लगे हैं, एक मुक्तक सुनाती हूँ सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। मैं बिल्कुल सच बताऊं, मैंने ये मुक्तक एक शादी में मैं गई थी, हमारे परिवार में शादी थी, तो वहां जो महिला संगीत का कार्यक्रम था, तो वहां बैठे बैठे मैंने ये 4-5 मुक्तक लिखे थे और केवल वही सुनाए थे। तो वहां किसी कोई कवि भी आए थे, उन्होंने भी सुने। जब मैं दूसरे किसी कवि सम्मेलन में गई तो उन्होंने कहा वाले मुक्तक सुनाइए। मैंने कहा नहीं, ऐसे मुक्तक तो मैं सुनाती नहीं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं, इसे सुनाइए। और जब सुनाने शुरू किए तो हर जगह इसी की डिमांड आने लगी। तो कभी कभी पता ही नहीं होता कि हमारी कौन सी चीज लोगों को अच्छी लग जाए। और उसके बाद लड़के लड़कियों पर तो बहुत सारी कवित्रियों ने लिख लिया इस तरह का, तो मैं आपको सुनाती हूँ सुनिए। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, और नए इस दौर के इन मजनों से दूर ही रहना,
करते, ये टाइम पास करते हैं। लेकिन सर लड़कियां भी भूली नहीं रही, नहीं ना, लड़कियां भी होशियार हो गई। कैसे होशियार हो गई है सुनिए, कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। अब मजा आया लड़कों को, एक गार्ड तो वहां बैठा हुआ है ताली बजा रहा है। इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। लड़की ने एक बूढ़े से शादी की, तो मैंने उस लड़की से पूछा कि तुमने इस बूढ़े में क्या देखा, तो उस लड़की ने जवाब दिया, कीर्ति जी एक तो इसकी इनकम, उस पर इसके दिन कम। समझ में आ गई, ताली बजा दीजिए एक बार। लेकिन श्रोताओं, क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी, जिसकी कविताएं अभी सुनाई इन्होंने, स्वयं श्रीवास्तव ने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई प्रेम की। दो दोहे मैं आपको सुनाती हूँ, क्या होता है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी। कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, जंगल में आग लग गई, चंदन का पेड़ धू धू करके जलने लगा, तो चंदन के पेड़ ने अपनी डाली पर बैठे हुए हंस से कहा कि आग लगी बनखंड में दाझा चंदन बंस, मैं तो दाजू पंख बिन, तू क्यों दाजे हंस। हे हंस, मेरे तो पंख नहीं है, पैर नहीं है, मैं भाग नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, तेरे पंख भी हैं, पैर भी हैं, तो मुझे छोड़कर चला क्यों नहीं जाता, भाग क्यों नहीं जाता, उड़ क्यों नहीं जाता। तो उस हंस ने जो जवाब दिया वो प्रेम की पराकाष्ठा लगे तो बताइएगा। उस हंस ने कहा कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा थारी डाल, कि मैंने उम्र भर किया ही क्या है, तेरे पत्तों को निचोड़ निचोड़ कर उनका रस पिया है, तेरी डाली पर बैठकर विश्राम किया है, कि पान मरोड़िया रस पिया बैठा थारी डाल, और तू जले मैं उड़ चलू जीनो किते काल। क्या बात, ये है प्रेम, प्यार, इश्क, मोहब्बत और दीवानगी, जिस कविता के लिए अभी शबिस्ता जी ने कहा है, सुनाती हूँ। जीवन में तीन तरह के संबंध हम जीते हैं। पहला संबंध वो होता है जो ईश्वर बनाता है, माता पिता भाई बहन का संबंध। दूसरा वो होता है जो समाज बनाता है, पति पत्नी का संबंध। और तीसरा संबंध मन से मन का बनता है। और जो रिश्ता मन से मन का बनता है वो बहुत दूर तक हमारा साथ देता है। बस उसी मन के रिश्ते पर एक गीत मैं सुनाती हूँ, सुनिए। कि ऐसा संबंध जिया हमने, कि ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने, आप बैठ जाए तो मैं गीत प्रारंभ करूं, क्योंकि बहुत अमूल्य श्रोता है, मैंने इनकी प्रतिक्रिया देख ली थी जब ये सामने बैठे थे। कि ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कि ऐसा संबंध जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें हो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने। अब महसूस करना कि जब जब महसूस किया, जब जब जैसा महसूस किया, स्वीकार किया वैसा वैसा, जब जब जैसा महसूस किया, स्वीकार किया वैसा वैसा, जग की आचार संहिता को, जग की आचार संहिता को, लग जाए भले कैसा कैसा, और हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर हमने हर वचन निभाया, पर खाई कोई
सौगंध नहीं ऐसा संबंध, क्या बात है क्या बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, कि ऐसा संबंध जिया हमने। और गंगा यमुना के संगम के तट से मैंने ये पंक्तियां ली हैं, सुनिए, कि गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर कितने ही मंगल स्नान किए, गंगा यमुना के संगम पर कितने ही मंगल स्नान किए, शुभ की अभिलाषा में खींचे, शुभ की अभिलाषा में खींचे, रेती पर सतिए ही सतिए, और प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन, प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन, प्राणों ने मंत्र पढ़े लेकिन, भावर का किया प्रबंध नहीं, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें, वो पूर्व नी, और प्रेम में ये नहीं देखा जाता क्या दिया क्या लिया, कि सारा का सारा दे करके, सारा का सारा दे करके पूरा पूरा अधिकार मिला, सारा का सारा दे करके पूरा पूरा अधिकार मिला, लोहे के एक एक कण को पारस का पावन प्यार मिला, और सांसों की सोन जुही ने फिर, सांसों की सोन जुही ने फिर, सांसों की सोन जुही ने फिर दोहराया वह आनंद नहीं, जिया हमने जिसमें कोई अनुबंध नहीं, नवगीत रचा ऐसा जिसमें, वो पूर्व नियोजित छंद नहीं, ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने, ऐसा संबंध जिया हमने। इतने अच्छे श्रोता हैं आपके रायबरेली के, और ऐसी रचनाओं को सुनना और उसके बाद उसे ग्रहण करना और उसके पश्चात प्रतिक्रिया देना, ये बहुत कम श्रोताओं में मैंने देखा है। बहुत जगह के लोग बस हंसी खेल कर, हंसी इकट्ठा करके चले जाते हैं, लेकिन कविताओं को भीतर तक महसूस करके फिर प्रतिक्रिया देना, तभी काव्य पाठ की सार्थकता हो जाती है। एक रचना मैं सुनाती हूँ, एक ये विशेष तरह का गीत है जो मैंने लाल किले से भी कई एक बार सुनाया है, और बहुत मुझे मान सम्मान इस गीत पर मिला है। ये काम से लेकर राम तक की यात्रा का गीत है। और ऐसा श्रृंगार है जिसे मैं घोर श्रृंगार कह सकती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं आती कि जिससे मुझे सुनाते समय सिर झुकाना पड़े और सुनते समय श्रोताओं को आंखें नीची करनी पड़े। ये लेखन का कौशल होता है, सीधे सीधे कोई बात कह दो तो वो कला नहीं है, वो तो अभिधा है। कला कला तब है जब उसे आप सौंदर्य पूर्वक थोड़ा सा ढका कर, थोड़ा सा छिपा कर, उसके बीच में कोई बात निकाल कर आप श्रोताओं तक पहुंचाएं। तो वो गीत मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा निखरने तो दो। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी, इनको सारे याद है क्या, आपको गुनगुना रहे हैं साथ में, सब याद है क्या बात है, कि फिर तो खतरनाक श्रोता हो गई अब। कि मद भरी रात को प्यार की बात को, चांदनी में नहा कर निखरने तो दो, और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झर कर बिखरने, क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है, प्यार की बात को चांदनी में नहा कर निखरने तो दो, और हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा,
हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, और हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाए। क्या बात है, 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 कि हल्का हल्का हवा में नशा छाएगा, धीरे धीरे से मीठा सुरूर आएगा, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हौले हौले झुकेगा धरा पर गगन, हट धरा का धरा ही तो रह जाएगा, और काम के सत्व को क्षण के अमरत्व को, काम के सत्व को क्षण के अमरत्व को, काम के सत्व को क्षण के अमरत्व को, भावना के भावना की नदी में उतरने तो दो, और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झर कर बिखरने तो दो, मधुरी रात को। और ये पंक्तियां ग्रहण कर लीजिएगा बस, कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, और एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कि जो अभी कुछ घड़ी, आनंद आ गया यहाँ सुनाने में, कि जो अभी कुछ घड़ी ना संभल पाओगे, आयु भर की अतृप्ति में अकुलाओगे, एक निमिष एक क्षण एक प्रहर है नियत, जिसको साधोगे ना तो बिखर जाओगे, और प्रेम के छंद पर दिव्य आनंद पर, प्रेम के छंद पर दिव्य आनंद पर, सांस की लय तरंगे ठहरने तो दो, और मन संभालो 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 पिया, मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झर कर बिखरने तो दो, मद भरी रात को। और गीत का अंतिम स्पर्श, कि इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, इन सुकोमल क्षणों को न यूं हार दे, वर्जना को सृजन से श्रृंगार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, और देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कि देह के दाह में भस्म कर काम को, स्थूल से सूक्ष्म तक भाव विस्तार दे, और प्राण की शक्ति को पूर्ण आसक्ति को, प्राण की शक्ति को पूर्ण आसक्ति को, साधना की नदी में उतरने तो दो। एक बार जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए, और मन संभालो। बहुत धन्यवाद। और मन संभालो 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 पिया, मेघ महुए से झर कर बिखरने तो दो,
मध भरी रात को प्यार की बात को चांदनी में नहा कर निखरने को दो, चांदनी में नहा कर निखरने को दो। और सुनाओ, या हो गया? अच्छा इतवार है आज, चलो सुना दो। हाँ, और अभी तो मतलब ये जो हवन चल रहा है उसमें आरती भी तो होगी ना अंतिम पड़ाव पर, कृष्ण जी वाली। है और ज्ञान के कोई उठेगा नहीं, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। सुनिएगा कि इस तरक्की के सफर में हादसा ऐसा हुआ कि इस तरक्की के सफर में हादसा ऐसा हुआ भीड़ में चलते हुए भी आदमी तन्हा हुआ और बात करने की तमीजें इस कदर बढ़ती गई। एरोप्लेन में साथ में बैठे होते हैं, बात नहीं करते आपस में, कि बात इतने तमीजदार हो गए कि बात करने की तमीजें इस कदर बढ़ती गई, लग रहा है आदमी गूंगा हुआ बहरा हुआ। और दूर जो आकाश में था खूबसूरत सा वहम, दूर जो आकाश में था खूबसूरत सा वहम, छू लिया तो चांद भी पत्थर का एक टुकड़ा हुआ। और मेरे मरने की कहानी पढ़ गया सारा शहर कि मेरे मरने की कहानी पढ़ गया सारा शहर और मेरे ही पड़ोसी पूछते हैं क्या हुआ। तो जब दिल्ली बंबई महानगरों में रहने वाले हम लोग, अब तो रायबरेली भी महानगर हो चुका है, यहाँ पर भी फिर भी यहाँ ग्रामीण संस्कृति बची हुई है। वहां पर लोग किस तरह से जीवन जीते हैं, पड़ोस में कौन रह रहा है पता ही नहीं चलता, लेकिन इस आपाधापी में हम लोग जो एक छुट्टी मिलती है इतवार की छुट्टी, उसे हम किस तरह से उत्सव के रूप में मनाते हैं। कई लोगों ने बड़ी निराशाजनक बातें भी लिखी है कि इतवार आता है ऐसे ही चला जाता है। मैंने थोड़े अलग तरह का गीत लिखा है, इसे नवगीत की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इतवार के दिन हम लोग दिल्ली बंबई के लोग महानगर के लोग किस तरह से छुट्टी को एंजॉय करते हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। सुनिए कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई इतवार तो बहुत मिलते हैं लेकिन मनचाहा इतवार कभी कभी मिलता है। कि कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, कई दिनों के बाद मिला है मनचाहा इतवार, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, भोर हुई सूरज ने उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली, भोर हुई सूरज ने अलसाई आंखें खोली, उठ भी जाओ मेम साहब कुछ इतरा कर बोली, गर्म चाय के साथ रखा है टेबल पर अखबार, के बाद मिला है मन जा इतवार, और नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा के कि नहीं चलेगा आज। कल्पना भी दिल्ली रहने लगी और उसके केश तो वैसे ही इतने लंबे तो पता नहीं कितना टाइम लगता होगा धोने के लिए। कि नहीं चलेगा आज घड़ी की सुइयों का आदेश, रानी जी धोएंगी पूरे आधा घंटा केश, गुड़िया बैठेगी सोफे पर अलती पलती मार, कई दिनों के बाद मिला है मन जहाँ इतवार, और कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंस कर दोहराएंगे, और गुड्डू को कर लेंगे पूरे सात दिनों का प्यार। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
कि कई यही होता है कि कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी। बच्चे कुछ कहते हैं तो हम कहते हैं टॉफी ले लो, ये खिलौना ले लो, प्यार करने का टाइम कहाँ है। कि कई दिनों के बाद साथ में खाना खाएंगे, खट्टी मीठी बातों को हंस कर दोहराएंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे, गुड्डू को कर लेंगे पूरे सात दिनों का प्यार। और कल से होगी वो ही झंझट बस की रेलम पे, घर से होगी वो ही झंझट बस की रेलम पे, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, दौड़ भाग का खेल। इसीलिए छुट्टी, इसीलिए छुट्टी, इसीलिए छुट्टी लगती है दिल्ली में त्योहार। क्या बात है, छुट्टी लगती है दिल्ली में त्योहार, कई दिनों के बाद मिला है मन चाहा इतवार। एक गीत मैं आपको ऐसा सुनाती हूँ कि जो मैंने मंचों पर कभी शायद ही कभी सुनाया हो। जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं जिसमें भरपूर सुनाने को मिलता है और आप जैसे श्रोता होते हैं, तब वो मैं वो गीत सुनाती हूँ, अन्यथा वही वही सुना के अपने टाइम पास कर दिया जाता है। किस तरह का जीवन है, कितनी आपाधापी हो गई है जीवन में, उसका एक गीत मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिए। स्वागत है, स्वागत है, सुना दूं बेटा। कि अब महज अनुभूज बन कर रह गए हैं, अब महज अनुभूज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे। अब महज कि अब महज अनुभूज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे। वक्त ने ही जिंदगी का व्याकरण ऐसा रचा है, खो गए भावार्थ सारे, सिर्फ सन्नाटा बचा है। लाल पीले आंकड़ों की जगमगाती भीड़ में हम, लाल पीले आंकड़ों की जगमगाती भीड़ में हम, वो सबक भी भूल बैठे जो जुबानी याद थे। अब महज अनुभूज बन कर रह गए हैं, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे। और एक अंधी दौड़ इतनी दूर तक हम दौड़ आए, महसूस कर रहा है इन पंक्तियों को, कि एक अंधी दौड़ इतनी दूर तक हम दौड़ आए, काल पोखर झील नदियां खेत पीछे छोड़ आए। और भागते दिन हाफती शामें बिखरती रात पाकर, भागते दिन हाफती शामें बिखरती रात पाकर, खो दिए वो गांव जिनमें कह कहे आबाद थे। अब महज अनुभूज बन कर रह गए, जो दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे। और फागुनों के सावनों के कौन समझेगा इशारे, ऐसी घरों में रहने वाले लोग क्या, कौन सी ऋतु आई, कौन सा महीना आया, पता ही नहीं चलता। कि फागुनों के सावनों के कौन समझेगा इशारे, अब घरों में कैद होकर रह गए त्योहार सारे। जिंदगी के बोझ से दम तोड़ते मासूम सपने, जिंदगी के बोझ से दम तोड़ते मासूम सपने, चांद तारों तक पहुंचने के लिए आजाद थे। अब महज अनुभूज बन कर रह गए हैं, जो दि
दिशाओं से हवाओं के मुखर संवाद थे, जो दिशाओं से हवा। बहन जी मुझे भी बता दीजिए क्या बात बात कर रही हैं आप, मुझे भी बता दीजिए, मैं भी चलूं आपके घर, घर चलने के लिए ना, मैं भी चलती हूँ रुकिए, आज रात में मैं यही हूँ आपके घर पे आऊंगी फिर, ठीक है। और पंकज जायसवाल मेरे छोटे भाई ने जिस गीत को यूट्यूब पर सुनकर और उसके फैन हुए उस गीत के, वो मैं यहाँ सुनाती हूँ। पता नहीं वो मानसी भी कह रही थी कि मेरा 8 साल का बेटा भी आपका वो गीत गुनगुनाता रहता है। पिछले होली में मेरे साथ क्या हुआ, बिल्कुल सही घटना पर मैंने ये गीत लिखा है। और मैंने कहा ना कौन सी कविता श्रोताओं को पसंद आ जाए पता ही नहीं चलता। ये कविता भी मैंने बहुत हंसी खेल में लिखी थी और अपने घर में जो किटी पार्टी होती है महिलाओं की उसमें मैंने सुनाई, महिलाओं को बड़ी पसंद आई। फिर मैंने कवि सम्मेलन में भी सुना दी और वो रिकॉर्ड आजकल इसमें जैसे ये होता है ना रिकॉर्ड हो गई और वो लोगों को पसंद आ गई। तो हर जहां जाते हैं वह लोग कह देते हैं आप वही वाली सुना दीजिए भंग वाला की, तो मैं आपको सुना देती हूँ, एक बार तालियां बजा दीजिए शुरुआत करके सुनिए। कि मैं तो देख के रह गई दंग, ठीक है चल जाएगा तालियां बजा देना साथ में। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मैं तो देख, इसमें ना रिदम के साथ तालियां बजानी पड़ती हैं, ठीक है पार्टनरशिप की कविता है ये। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग। थक गया आप लोग, थक गए ना, नहीं थके तो जोर से ताली बजाइए। थकी हुई तो मैं ज्यादा हूँ, 100 रातों 100 दिनों से सोई नहीं हूँ, 100 निश्चित सॉरी, देखो कितनी थकान है कि 10 को 100 बोल गई, 10 दिन हो गए मैं सोई नहीं हूँ। मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई अजब है हाल बिखरे हुए है बाल जिस और भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। जिन लोगों ने भंग पी है उन्हें तो इस रचना में आनंद आएगा ही, लेकिन जिन्होंने किसी भंग पिए हुए व्यक्ति को देखा है उसे इसमें दुगना आनंद आएगा। अब सुनिए कि अजब है हाल बिखरे हुए है बाल जिस और भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भिगोए कभी जार जार रोए कभी आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे, और गुम सुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। गुम सुम चुपचाप बैठ जाए कभी और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे। मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। तेरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और बाल पे मले गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपटी चाल कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल, चले पट्टी चाल कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल मिसरी जुबा में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बबाल है। मुझे पढ़िए ना, आप बैठ के पढ़िए, ये लिखिए दीदी। हाँ दीदी बताए, रोक दे हम, कोई ऐसी नहीं है। देखिए मैंने इस क्षेत्र में आने के बाद एक बात सीखी है कि कैसी भी परिस्थिति हो कभी हार नहीं माननी चाहिए। और यहाँ तो बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है तो साथ दे देना बस है ना।
बाल गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल चले अटपट चाल कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल गर्मी में ओढ़े शाल चले अटपट चाल कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल मिसरी जुबा में बोल कभी जोर जोर से मचाए वो बबाल है। और चटनी को कहे खीर खीर को कहे पनीर की चटनी कि चटनी को कहे खीर खीर को कहे पनीर और दाल को कहे सलाद सब्जी को दाल है। बदला है ढंग उड़ा उड़ा दिखा रंग ये है भंग की तरंग ओ तरंग का कमाल है। कहे भैंस का गोरा रंग रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने और इसके बाद उन्होंने मुझे क्या कहा सुनना कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ तू भी ले ले चार घूट तुझे चांद पे ले जो। मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ तू भी ले ले चार घूट तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं सोना नहीं और कुछ होना नहीं हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं तुझे घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं तुझे अमरीका पेरिस वो लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड तू है मेरी मिस वर्ड अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। बिना डोर उड़ाए पतंग रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग रंगत बदल गई। अब इस गीत का सुपर क्लाइमैक्स बस दिल थाम के सुनना। ये हमारे साथ में डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं इनके अनुमति के अनुसार जितना दिल थामना है उतना ही थामना ज्यादा नहीं। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होले होले कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होले होले मुझको वो गुलगुल जार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होले होले मुझको वो गुलगुल जार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का कुमार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का कुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले तब बता रही हूँ कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी होले होले मुझको वो गुलगुल जार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्का या दीपिका के रूप का कुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे होले होले तब नास पीटा ललिता पवार कहने। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। रंग बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक बाके बिहारी जी की एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ। शबिस्ता जी को बड़ा पसंद है वो हाँ। देखिए आप लोगों ने बहुत सारे गीतकारों को सुना होगा मैंने भी सुना। मैंने तो नवगीत पर डॉक्टरेट भी है तो मैंने पढ़ा भी बहुत। तो मेरे मन में ये लगा कि अधिकांश गीतकारों ने नारी के सौंदर्य का नख से लेकर शिख तक वर्णन किया है। मतलब पैर की उंगली के एक एक नाखून से लेकर सिर की चोटी के एक एक बाल तक नारी के अंग प्रत्यंग का बड़े चाव से वर्णन किया है। एक दिन मेरे मन में एक विचार आया क्रांतिकारी विचार कि मैं एक नारी हूँ स्त्री हूँ और साथ में एक कवयित्री भी हूँ तो क्यों ना मुझे किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन करना चाहिए।
मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे सध कर बैठ गए हैं जैसे फोटो उन्हीं की खींचने वाली। तो मेरे मन में ये विचार आते ही मैंने किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखने के लिए मैं बैठी, लेकिन श्रोताओं चमत्कार ये हुआ कि मैं किसी पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिखते लिखते परम पुरुष के सौंदर्य का वर्णन लिख बैठी। हमारे छह छबीले नटनागर कृष्ण कन्हैया जी के लिए कवि रसखान जी ने लिखा है कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, कि शेष गणेश दिनेश महेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछंद अभेद सुभेद बतावे। और नारद ते सुख व्यास रटे पचिहारे तो कुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोहरिया छछियाबर छाछबे नाच नचावे। तो ऐसे हैं हमारे कृष्ण कन्हैया जी। तो मैंने जिस तरह से देखा, देखा क्या उन्होंने, कभी कभी एक झलक सी दिखती है ईश्वर की, तो वही मैंने लिखने का प्रयास किया। सुनिए कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, बस उसकी भक्ति के रस में डूब जाइए कि रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छल छबीला, तेरे जैसा छल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, खिंचता है मन उसी ओर बार बार। तेरे जैसा छल छबीला, तेरे जैसा छल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। तालियां बजा के सुनिए। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, चाल से चुराया तेरी झरनों ने वेग, बालों से चुरा के रंग हुए काले मेघ, चमक से तेरी चांद तारे चमके, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी तेरी देख फूल खिले जमके, चमक से तेरी 12 बजे तक कहीं था मैं क्या, अच्छा, चमक से तेरी चांद तारे चमके, हंसी देख तेरी फूल खिले जमके। इतराती है दुनिया सारी, इतराती है दुनिया सारी, रूप तेरा तुझसे ही मांग के उधार। तेरे जैसा छल छबीला, सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, कामदेव तेरी छवि देख के, कैसा सुंदर स्वरूप है उनका, कि कामदेव तेरी छवि देख के लजाए, छलिए तू जाने कैसी मोहिनी चलाए, बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, बेवश हो अप्सराएं शरण में आए, परस को पाने तेरा बलि बलि जाए। मेरे बैरागी मन पर भी, मेरे बैरागी मन पर भी, धीरे धीरे कर लिया तूने अधिकार। तेरे जैसा छल छबीला, तेरे जैसा छल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। अविनाशी और जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर। जो लोग, बहुत सारे नए कवि कहते हैं कि हमें जो वरिष्ठ लोग हैं आगे नहीं आने देते, हमें रोकते हैं, कोई किसी को नहीं रोक सकता, एक बार उसकी कृपा होनी चाहिए, कोई किसी के रास्ते का रोड़ा बन ही नहीं सकता। कि जब से चढ़ा है तेरे प्रेम का सुरूर, पास आ गया है सब जो था दूर दूर, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम बोलू हवाओं के कान में, पानी पर दौड़ू उड़ू आसमान में, तेरा नाम बोलू हवाओं के कान में, लगता है मेरे आंचल
सृष्टि का समूचा विस्तार। लगता है मेरे आंचल में, लगता है, तालियां बजा के सुनिए, लगता है, देखिए इस दशा में भी मैं सुना रही हूँ तो आपको तालियां बजा के तो सुनना ही चाहिए, कि लगता है मेरे आंचल में, लगता है मेरे आंचल में सिमटा है सृष्टि का समूचा विस्तार। तेरे जैसा छैल छबीला, तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। और बाट जो हो जो तेरी पथराए नैन, बाट जो हो तेरी पथराए नैन, जन्म जन्म से है मन बेचैन। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। झलक दिखा के छिप गया है कहाँ, बावरी सी ढूंढती हूँ यहाँ से वहाँ। दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, दर्द दीवानी मीरा हूँ मैं, गिरधर नागर सुन ले पुकार। तेरे जैसा छैल छबीला, देखा नहीं देख लिया सारा संसार। रूप अद्भुत अविनाशी अविकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार, जैसे कोई तेज पुंज हुआ साकार। जैसे बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, पंकज जैसवाल की, छब्बीस का ब्रजेश की। बहुत बहुत धन्यवाद रायबरेली के श्रोताओं, आपने आज मेरा मन बहुत बड़ा कर दिया और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं हमारे बीच मैंने जैसा कहा, बहुत अच्छा सुनने वाले और स्वयं भी बहुत अच्छे लेखक आदरणीय हमारे एडिशनल एसपी साहब मौजूद है, दो शब्द कहने के लिए मैं उनको आमंत्रित करूंगी बड़े आदर के साथ कि वो आए और आज का ये कार्यक्रम उनको कैसा लगा ये जरूर जानना चाहिए।